ऐसा लगती आंखें जैसे गई कभी पहले ना सुनी जो गई तू जो है तरफ परे। तो दोस्तों आज का प्रीव्यू तो आप सबने देख ही लिया। प्रीव्यू देखकर तो आप सबको पता चली गया है आज किस तरीके के स्टेटस वीडियो होने वाला है। अगर आप सब इस तरीके के स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो करना कुछ नहीं होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप सबको मजाक में बोल रहा हूँ। मैं मतलब इस तरीके का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप सबको इस वीडियो को पूरे कंटिन्यू लास्ट तक देख लेना है। कैसे करना होगा और क्या करना होगा और कैसे एडिटिंग करना होगा उस फुल आप सबको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जैसा मैं करूंगा आप सबको भी वैसा ही करते जाना है। ओके, अपना फोटो वगैरह ऐड कर लीजिएगा और उसके मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप रेडी हो जाइए। सबसे पहले तो आप सबको क्लाउड मोशन ऐप को ओपन करना होगा। अगर आपके पास क्लाउड मोशन पहले से है तो आप उसे ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर मैंने इसका लिंक पिन कर दिया है। और हाँ दोस्तों, इसका 5.0 जो वर्जन है इसको मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, इसके ऊपर भी फुल ट्यूटोरियल वीडियो, आप उस क्लाउड मोशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल अभी इस क्लाउड मोशन से काम चलाते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। क्लाउड मोशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे बिग मार्क एंड इफेक्ट, ओके, ये दोनों प्रोजेक्ट आप सबको इम्पोर्ट करना होगा क्लाउड मोशन में। अगर आप सब नए हैं तो अगर आप सबको इम्पोर्ट करना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको इम्पोर्ट करना आ जाएगा। यहाँ पे आपको बिट मार्क को सबसे फर्स्ट पे ओपन करना होगा। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है मैंने इफेक्ट वगैरह ऐड करके रखा है। अब सबको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट तरफ आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक किए, मीडिया पे क्लिक किए, आपका कोई सा भी फोटो रहेगा आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप कोई सा भी अपना फोटो ले लीजिएगा। फ्रेंड्स मैं फिलहाल कोई फोटो ले लेता हूँ, ये फोटो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके इसे थोड़ा जूम कर लेंगे, एक नंबर पे क्लिक करके इस प्रकार से इसे सेट कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। फिर गाइस आपको पूरे लास्ट तक चल जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसका लेयर लास्ट तक कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आपका फोटो ऐड हो जाएगा। फिर आप फोटो पे इधर लॉन्ग प्रेस करके आपको नीचे इधर कर देना होगा, एकदम कहाँ तक करना होगा मैं आप सबको बता देता हूँ। लॉन्ग प्रेस करके नीचे स्लाइड करते हुए आइएगा, यहाँ पे आपको इधर नीचे आपको आ जाना है, आपको यहाँ पे जो है सॉन्ग के ऊपर इस फोटो को रख देना है, कुछ इस प्रकार से आपका भी स्टेटस लगेगा। ओके, तो अभी आपका स्टेटस पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ बनके, अभी देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिरिक्स लिख कर रखा है। ओके, अगर आप कोई दूसरा सॉन्ग यूज कर रहे हो तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने लिरिक्स लिख के रखा है। यहाँ पे आप लिरिक्स यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे कट करोगे और यहाँ पे राइट पे क्लिक करोगे, जो भी अपना लिरिक्स बोलेगा आपका सॉन्ग में उस लिरिक्स को लिख के यहाँ पे सेव कर दीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक बीट मार्क में इस प्रकार से सजा लीजिएगा जैसे मैंने सजाया है। ओके, आपको जहाँ से इस बीट मार्क तक क्या बोलेगा, इस बीट मार्क तक क्या बोलेगा, आपको वहाँ से ऐड करते जाना है। ओके, इफेक्ट मेरा पहले से लगा के रखा, आप सबको इस प्रकार से करते जाना है। ओके, तो आपका लिरिक्स भी बन जाएगा और दूसरा अगर सॉन्ग में यूज़ कर रहे हो तो, और अगर आप इस सॉन्ग पे यूज़ कर रहे हो तो लिरिक्स को मैंने पहले से लिख के रखा है, आपको ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना होगा। यहाँ तक आपका होने के बाद एक बार आप सिंपली बैक चले जाओगे, इफेक्ट में प्रोजेक्ट जो दिया रहूँगा यहाँ पे आ जाना, फोटो पे क्लिक करोगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करके तीनों इफेक्ट्स को कॉपी कर लेंगे। देन गाइस आपको बीट मार्क में रिटर्न आ जाना है, फोटो पे क्लिक करोगे, सॉरी फोटो पे क्लिक करोगे और इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट्स को पेस्ट कर देना होगा, कुछ इस प्रकार से अभी आपका स्टेटस वीडियो लगेगा, देख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ तक आप पहुँच चुका। फिर यूट्यूब इट्स SRJ नीचे लिखा है फ्रेंड्स इस लेयर पे, आप इसको भी कट करके अपना नाम लिख सकते हो और उसके बाद अपना नाम लगा सकते हो। तो देख सकते हो जैसा मैंने प्रीव्यू में आप सबको वीडियो दिखाया था एडिटिंग करके बता दिया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है फ्रेंड्स, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं आप सबको सेव करने का प्रोसेस बता देता हूँ। ऊपर में इस एरो पे क्लिक करोगे, वीडियो के राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे एडिटिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।